अक्सर क्रिकेट में देखने को मिल जाता है कि खिलाड़ी शतक के करीब पहुंचकर नर्वस 90 के शिकार हो जाते हैं। जी हां, बता दें कि इसी कड़ी में टीम इंडिया के कैप्टन विराट अपने टेस्ट करियर में दूसरी बार नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे 5 टेस्ट मैच की सीरीज के तीसरे टेस्ट में शतक के करीब पहुँच चुके विराट कोहली 97 रन पर आउट हो गए। कोहली इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज आदिल राशिद की बॉल पर पहली स्लिप में खड़े बेन स्टोक्स को कैच दे बैठे। हालांकि मैच में 97 रन की पारी खेलकर विराट ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। विराट जब आउट हुए तो वह 279 के स्कोर पर भारत को 5वां झटका लगा। इससे पहले अपने टेस्ट करियर में विराट एक बार दिसंबर 2013 में जोहानिसबर्ग टेस्ट में 96 रन बनाकर आउट हुए। विराट ने इस सीरीज में इससे पहले बर्मिंगम टेस्ट में शतक लगाया था। कैप्टन विराट कोहली इस बार शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वह अपने आलोचकों को यहां करारा जवाब भी दे रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2014 के पिछले दौरे पर जब वह फ्लॉप हुए थे तो इंग्लैंड में उनके प्रदर्शन को लेकर काफ़ी सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन विराट इस दौरे पर काफ़ी उम्दा फॉर्म में हैं। अभी तक इंग्लैंड में खेली 5 पारियों में वह 337 रन बना चुके हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण चौबे की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस